थे कि भाई अब 7 से 8 साल बाद क्यों ये ध्यान में आया है कि हमें ये फैसला लेना चाहिए था। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा, अब हमको समझ में आया कि गलत तरीके से लोगों को चीजें पहुंचाई जा रही थी इसलिए ये फैसला हमको लेना पड़ गया। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो योगी सरकार और अभी को पैनलिस्ट जो कह रहे थे वो बात कह रहे थे हलाल की, तो उनके पास बेचारों के पास जानकारी का अभाव है। हलाल का, हलाल के लिए कोई कानून किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं बनाया, वो मुस्लिम संस्थाएं होती होंगी वो देती रहेंगी। इसी तरह अगर कोई हिंदू संस्थाएं हिंदू धार्मिक मान्यता के आधार पर कुछ कहती हैं सुनती तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो सकता। रह गई बात, आपने ये कहा कि भाई पहचान में क्या है, तो मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी ने जो फरमान जो पहचान दी है उस कागज से क्यों घबराए हुए हैं, आप वो बाहर लाइए ना, वो आए तो सही पहले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि योगी सरकार जो है बोलने के बाद जो पीछे जाके छुप गई है, आप छुपिए मत, आप बाहर आइए लेकर के कि ये रहा हमारा छुपाए। आप बताइए छुपे तो आप आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं, शिवलिंग पर उल्टी सीधी टिप्पणी करी थी उसके बाद छुप तो आप गए थे, इनको बोलिए आप कर रहे हो, इनसे इनसे बात तो आप इनसे मुझे बात ही नहीं करनी है, इससे इंटरप्ट ना करें, इनसे कहीं इंटरप्ट ना करें। आचार्य आपके बीच में नहीं बोले हैं, मत बोलिए, ये गलत तरीका है, गलत तरीका है। मेरे दो मेहमान और हैं, मैंने उनसे रिएक्शन नहीं लिया है। सरकार वो है आपके नवाब साहब को आचार्य का टाइम दे दो, सरकार से सवाल लेना है तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ऐसे ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं जवाब लूंगी, मैं एस एन सिंह साहब से जवाब लूंगी, उसके बाद मेरे साथ जितेंद्र जी भी हैं और नाजिम साहब भी, उनसे जल्दी से आचार्य रुक जाइए, मुझे मत बुलाया करो, मेहरबानी है। ठीक 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 है, आप धर्मगुरु हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोलेंगे प्लीज। आपने सवाल पूछा कि उसको कानून कौन दिया है, 76 में भारत सरकार उस समय के कांग्रेस की सरकार रहती है उसको हलाल सर्टिफाइड को मान्यता देती है, चाहे विदेशों में बेचे भारत में बेचे मान्यता देती है। पहली बात, 2006 में कानून बनता है, 2011 में संशोधन कर दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में 5 साल में एडवाइजर के तौर पर आदरणीय रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे एज एडिशनल पी एस मैं काम किया हूँ, उसमें एक संशोधन किया जाता है, चाहे आप सब्जी भेजें वहाँ पे भी जो वजन है बाट माप कहते हैं उसका भी सर्टिफाइड आपको रखना होगा कि आप कहाँ ठीक है, और जहाँ खाद पदार्थ होती है ताकि भारतीय जनता पार्टी का मिलावट ना होने पाए होंगे, तो एस एन सिंह साहब आपको जवाब देना होगा। तारिक खान भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जरा रिएक्शन सुना देती हूँ, फिर मैं जितेंद्र आर्या और नाजिम साहब से जवाब लूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास सर मैं इसलिए देर से आ रही हूँ क्योंकि मैं आचार्य आर्या साहब आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि मुजफ्फरनगर या पश्चिम बेल्ट की राजनीति में उपचुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, और नाजिम साहब आपसे ये कि जमीयत की आज बैठक हुई है, इस बैठक का क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़ी अनपड़ी इस बैठक की, मैं आप लोगों से इस पर बात करूंगी। लेकिन इस फैसले के बाद, योगी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में तो इसे लागू कर दिया गया है लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग अब उठने लगी है, जनता क्या कह रही है मध्य प्रदेश की सुन लेते फिर रिएक्शन लूंगी। होना चाहिए, जितने भी तीर्थ जगह है वहाँ ऐसी व्यवस्था अच्छी बात है, इससे क्या मतलब आप लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस नहीं पहुँचेगी आपका ये मानना? उससे ये होता है अपने हिसाब से जिसको जो करना है, जहाँ खान पान है जैसे जिसकी श्रद्धा है वो अपने हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उनको बोर्ड लगाना चाहिए और वहाँ उसका नाम लिखा होना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान होना चाहिए, ये भी ये होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? ये है कि आपका जो है ये जो मुसलमान का जो है ये पता चल जाए कि हाँ ये मुसलमान है। होना चाहिए नियम यहाँ पर भी लागू? जी होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? जी हम लोग का सुरक्षा रहेगा अपना, लिखना भी चाहिए लेकिन मतलब यूँ के पर्सनल तौर पे उनके लिए जो लिखना चाहिए क्योंकि उनको धंधा चलाना है ये सब करना है। जितेंद्र आर्या, मध्य प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा फैसला लागू होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उपचुनाव नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें तो इसके आसपास ही पड़नी, बस करहल थोड़ी सी अलग पड़ जाती है, और क्योंकि यहां पर वोट बैंक है जिसको कहा जाता है कि उसको जातियों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता रहा है, तो क्या उन लोगों को एकजुट करने के लिए अपनी ओर करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है, ये फैसला लिया गया कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, क्योंकि करण की राजनीति का आरोप बीजेपी लगाती है तो बीजेपी पे कांग्रेस और सपा भी लगाती रही है। जितेंद्र आर्य, मेरा यह कहना है अनामिका जी, जितने लोग बैठे हुए हैं, यूपी सरकार ने, योगी ने
जो वहां पे नाम लगाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारे अल्पसंख्यक समुदायों को, बहुसंख्यक समुदायों को इसकी सराहना करनी चाहिए थी। पहली चीज, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पूरा रहता है, रेसिपी रहती है कि मेरा ये पॉइंट इतना है, इतना परसेंटेज ये चीज है। लेकिन वहां पे और जितने लोग बैठे हुए, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम होता है क्या? अल्पसंख्यक के नाम में जैसे मुसलमान का नाम आता है उसमें सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, वो क्या अल्पसंख्यक नहीं है? वहां सारे समुदाय से कहा गया था कि आप अपने आगे सिर्फ नेम प्लेट लगाइए, ना कि अपने जाति को लगाइए, ना अपने धर्म को लगाइए, सिर्फ नाम रखने की बात कही गई थी। और मैं बताना चाहता हूँ, जो जो अभी आप देखते होंगे मैसेज वायरल होते हैं कि लोग झूठे चीज फल को बेच रहे हैं, वहां इस पेशाब कर रहे हैं, गंदे गंदे नाले में धो रहे हैं, तो जो ये आस्था और सफाई का ये पर्व है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, आप कहते हैं जब ईद आती है, मुहर्रम आती है, तो जब मुसलमान लोग के जो फतवे जारी होते हैं कि जो भी मुसलमान लोग हैं वो मुस्लिम दुकान से खरीदारी करें, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कहां रहते हैं? वहां उनको समझ में नहीं आता है कि वहां पे धर्म निष्पक्षता क्या है? तुमको ये समझ में नहीं आता सेक्युलर क्या कहलाता है? आप बात करते हैं और यहाँ पे सबके लिए कहा गया, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कहते हैं कि तब तो ईद में लिखना चाहिए, ईद में कोई झूठा नहीं लिखता है, जो भी हिंदू भाई होते हैं वो लिखाते हैं कि माँ मुंडेश्वरी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और इस भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जब मैं आपकी बात सुन रहा तो आप मेरी बात सुनेंगे? हाजिर नाजिम कब तक अपनी देशभक्ति का सबूत देता रहेगा भाई? कब तक हाजिर नाजिम अपने हाथ में तख्त लेके ये कहता रहेगा कि मैं भारतीय मुस्लिम हाजिर नाजिम खान हूँ? कब तक अपने देशभक्ति का आप लोगों को जाएगा ये गलत बात? सुनिए, यहाँ पर कौन ज्यादा तेज चीख सकता है, ये कंपटीशन नहीं है। आचार्य हाजिर नाजिम रुके, आचार्य रुके, आचार्य पहले एक छोटे से प्रश्न का यह बताएं, संविधान बड़ा या धर्म, किसको चुनोगे? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आचार्य संविधान नहीं, मेरी एक सर बता रहे हैं, बोलने तो दीजिए, सवाल आपका पूरा हो गया है कि संविधान का सम्मान या धर्म का सम्मान? तो क्या बोलने आचार्य, भारत का जो संविधान है तारिक खान, ऐसे करेंगे तो मैं यहाँ स्टूडियो में आऊंगी नहीं, तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मैं रुके, तारिक खान आप कुछ कह रहे थे, रुके सर आ रही हूँ। तारिक मैं सीधा सा सवाल ये कह रहा था, अभी ये कहा गया कि नाम डिस्प्ले होना चाहिए जो क्रॉप राइटर, तो मैम किस कानून में लिखा है कि वर्कर का नाम भी लिखा जाएगा? सारी दुकानों पे आपके यहाँ रमेश रफीक और कोई जो भी काम करता है उसका नाम लिखने को क्यों कहा गया? ये तो कानून में नहीं लिखा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं लिखा है, 2013 वाले या किसी भी एक्ट में, ये FSSI की गाइडलाइन हो, नहीं है, ये क्यों किया गया? तो जब आप कानून की बात करते हैं तो वहां पर तो ये नहीं कहा गया कि आप क्या कौन कौन काम करता है उनके भी नाम टांगे गए हैं लेबर के, और लोगों ने, आप ये क्या कर रहे हैं, आप छोटे दुकानदारों को मारने जा रहे हैं, आप जो ये शुरुआत कर रहे हैं ये बहुत दूर तक जाएगी, और इसका अगर सब लोग पालन करने लगे तो सोचिए वो छोटा दुकानदार जो घर के बगल में सब्जी बेचता है, किराने की दुकान है, दवा बेचता है, पेंट बेचता है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसका क्या होगा? वो हिंदू मुसलमान नहीं है, पेट पे ना लोगों के, वो गरीब है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा धर्म ही गरीब होना है।